मैं सच बता रही हूँ, सोशल मीडिया एक धोखा है और ये वाला एरिया तो मतलब मत ही देखो यार। सो आप देख सकते हो ना कि ये रूम रूम तो है बट ये रूम रूम नहीं है। ओके गाइस, फाइनली आई एम हियर विद दिस वीडियो। आई थिंक ये अभी तक की सबसे रिक्वेस्टेड वीडियो थी बिकॉज यू गाइज रियली वॉन्टेड टू सी माई सेटअप, माई स्पेस, माई रूम। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देती हूँ, ये मेरा कमरा अब नहीं रहा। क्या क्या बात कर रहे? जब से आर्ट चैनल को लेके यहाँ पे सामान इकट्ठा करना शुरू किया है, शूट करना शुरू किया है, तब से इट इज लिटरली इम्पॉसिबल कि मैं सेम रूम पे सो पाऊं बिकॉज पूरा फैल जाता है कमरा। बहुत ही सोच विचार के बाद मेरी फैमिली और मैं इस पॉइंट पे आया कि यार इस कमरे का जो ये बेड है ना, इस बेड को हम हटा दें यहाँ से, जिससे कि इस प्लेस को मैं प्रॉपरली सिर्फ शूटिंग के लिए यूटिलाइज कर पाऊँ एंड बाकी कमरों को फैलाना बंद कर दूँ। इसे प्रॉपर स्टूडियो मेकओवर देने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी करंट कंडीशन, जो कि नॉट सो गुड है। सो कमरा स्टार्ट होते ही राइट हैंड साइड में जैसे ही आप मुड़ोगे आपको ये वॉल दिखेगी एंड ये मेरा पूरा आर्ट का सेटअप दिखेगा। ओह माय गॉड, बहुत ज्यादा रोशनी हो रही है यहाँ पे, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैंने ये फिगर आउट कर लिया वे जिससे कि मैं बेटर प्रोडक्टिविटी लेकर आ पाऊँ एंड बेटर कंटेंट क्रिएट कर पाऊँ आप लोगों के लिए। सो यस, यहाँ पे मैंने टेबल रख दिया जो कि बहुत ज्यादा जम्बो साइज है यार, एंड यहाँ पे भी आपने देखा ये मैंने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। अब अगर हम इस तरफ मूव करते हैं, आइए आइए मम्मा, आइए इस तरफ आइए गाइज। अगर मम्मा ने गंदी शूटिंग करी होगी इसमें मेरी गलती नहीं है, मेरी मम्मा इज द कैमरामैन एज यू गाइज नो। सो यहाँ पे ये कर्टन है जिसकी हालत भी खराब हो चुकी है, ये पूरा एरिया कवर हो जाता है सिर्फ यहाँ पे शूट करने के लिए, तो यहाँ पे मैं कुछ रख नहीं सकती। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने रूम को थोड़ा तमीजदार किया, अदरवाइज मैं नहीं चाहती थी कि आप लोग एकदम दुखी हो जाओ मेरे कमरे को देख के, आपको हेडेक हो जाए, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत संभाला है। तोड़ने के बाद जैसे ही आप थोड़ा और इस तरफ खिसकेंगे तो यहाँ पे एक लैम्प है एंड यहाँ पे मेरा बचपन वाला बेड है गाइस। बचपन मेरा दीवान हुआ करते थे, दो अलग अलग सिंगल सिंगल बेड जिसको हमने बाद में कंबाइन कर दिया, आगे पीछे से ये लगा दिया, जो भी से बोलते हैं बैक लगा दिया एंड आगे का ये लगा दिया। इस बेड को इस कमरे से बाहर निकाल के कहीं और रख रहा वॉज थोड़ा दिल पे पत्थर रख के हमने ये डिसीजन लिया है। रीजन बीइंग हमें इसे लिटरली फेंकना नहीं था बिकॉज यू आर स्टिल सो अटैच्ड टू दिस पर्टिकुलर थिंग। एंड यहाँ पे है मेरा कवर्ड जिसमें मैं रखती हूँ अपना सारा सामान, मेरे मोस्ट ऑफ द कपड़े इसके अंदर है बेड के अंदर है। पता नहीं क्या होगा, बेड जब चला जाएगा मैं कहाँ पे रखूंगी, क्या होगा मेरा स्टोरेज। सो लेट्स जस्ट सी गाइस, ये मैं आपको एकदम ऐसे रूम टूर नहीं करा रही हूँ, ये मेकओवर की तरफ बढ़ता हुआ कमरा है। सो स्टेडियम लॉन्ग ह्यूज सा मिरर हमने वॉल पे स्टिक करा रखा है। पहले इसका हम यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से कर पाते थे क्योंकि बेड और मिरर के बीच में स्पेस काफी ज्यादा होती थी, क्योंकि ये सब कुछ सेटअप तो होता ही नहीं था। सो आप देख सकते हो ना कि ये रूम रूम तो है बट ये रूम रूम नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? जैसे ही खत्म होता है यहाँ पे आ जाता है मेरा दरवाजा, यानी दरवाजे के पीछे है एक और दरवाजा जो कि है मेरे वॉशरूम का। ऑफ कोर्स मैं आपको वॉशरूम नहीं दिखाने वाली हूँ, इतनी कुछ खास स्थिति में है नहीं, ना ये दिखाने लायक है आज सच। ऐसा तो नहीं है मम्मा, हाँ हर चीज अपनी मम्मा को एकदम परफेक्ट लगती है। मैं पहले ही रूम भी नहीं दिखाने वाली थी क्योंकि इसमें कुछ क्या है मतलब दिखाने के लिए, ना ही ये कुछ फैंसी है, ना ये बहुत ज्यादा एस्थेटिक है, ये बस रहने के लिए है एंड आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इट, बट इट्स लाइक हाँ है ठीक है, अब इसमें क्या दिखाऊं मैं। थोड़ी देर में भैया आने वाले हैं जो कि इस बेड को लेके जाएंगे, अभी हमें इसके अंदर का सारा सामान सारा कबाड़ा निकालना है। आपको ही पता चलेगा कि मेरी मम्मा कितनी बड़ा कबाड़ इकट्ठा करने वाली इंसान है, एंड जैसे जैसे हम देखते जाएंगे सामान निकलेगा आपको पता चलेगा कि ये कितनी महान है और कितना कबाड़ा रखते। क्यों रखते हो भाई इतना कबाड़ा घर में, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ओके गाइस, सो नाउ द अपडेट इज जिन भैया को वो बेड हटाना है यहाँ से, मेरे घर से लेके जाना है, वो भैया मेरा फोन ही नहीं उठा रहे, राजू भैया नाम है उनका। सो दो तीन घंटे हो चुके हैं मैं उन्हें तब से ट्राई करती जा रही हूँ, मम्मा भी ट्राई करे, घर का एक एक सदस्य ट्राई कर रहे हैं बट वो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। एनीवे यार शिफ्टिंग वगैरह चलती रहेगी, आई रियली वांट टू टेक अ मोमेंट एंड टॉक अबाउट लेंसकार्ट। सो लेंसकार्ट हैज लॉन्च्ड एन अमेजिंग रेंज ऑफ न्यू कलर्स फॉर देयर बेस्ट सेलिंग रेंज हसलर। आई नो यू गाइस डोंट बिलीव दिस बट नाउ हसलर इज अवेलेबल इन 11 डिफरेंट कलर्स फ्रॉम वाइब्रेंट शेड्स टू क्लासिक टोन्स, देयर इज समथिंग फॉर एवरी Everybody. And the best part is the quality is amazing. I've got my Hustler recently and this is what it looks like.
I really love the color and the quality. Hustler eyewear is not only trendy, but it is super lightweight and the quality is top notch. There were a lot of other options as well, but mujhe bahut zyada different laga and I think ye meri kafi outfits ke sath jayega. That is the reason I bought this one. It is super flexible and perfect for daily use. And of course, like the specs are amazing, but mujhe iska jo ye case hai wo itna zyada cool and pretty laga, main bata nahi sakti. Just look at this. This looks so classy. And you guys already know it that with YouTube I also manage my regular 9-to-5 job, तो इसीलिए मेरा digital work बहुत ज़्यादा होता है, मेरी eyes पे strain बहुत ज़्यादा पड़ता है, and the best part is why I love Hustler is ये मेरी eyes को protect करता है from digital strain as well. So yes, trendy के साथ साथ, cool के साथ साथ, the quality is amazing, plus it is protecting my eyes as well. So I have my pair of Hustler now, and I'm super excited to hustle even more. So Lenskart's website is currently running some amazing offers. So if you're planning to upgrade your eyewear collection or even buy a new one, then Lenskart is the place to go. And you can get up to 60% off on sunglasses and eyewear if you use coupon code Rakhi at checkout. And इस पे एक added bonus भी है, आपको free contact lenses भी मिल सकते हैं, colored and clear both. So yes guys, this was it. I have added all the important links here in the description. Do check it out. And वापस आते हैं वीडियो पे. मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, पसीने से चूर चूर हो चुकी हूँ, because of course, you guys know it. मैंने पिछले 2-3 घंटे से try कर लिया है already राजू भैया को contact करने का and he's just not picking up. A few moments later. यार राजू किधर है तू? राजू beauty parlor में. Hi everyone, welcome back. ये bed shift नहीं हो पाया because वो भैया जिनको ही shift करना था, राजू भैया was unavailable. But today is finally the day. जब ये bed इस कमरे से निकलेगा, मेरे लिए 2-3 दिन काटना was impossible क्योंकि मैं जब कोई चीज़ सोच लेती हूँ ना, मेरे में patience नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है बस जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए. So I'm so इसके अंदर से भी मुझे सारा सामान निकालना होगा. Right now it is 12. 1 बजे भैया को आना है, तो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम व्हेन आई कैन स्टार्ट रिमूविंग माय स्टफ फ्रॉम दिस बेड. सो स्टेप नंबर 1, मुझे सबसे पहले इन पिलोज को साइड में रखना होगा, रिमूविंग द बेड शीट. बहुत दुख हो रहा है कि मुझे अपने प्यारे से शानदार से गद्दों को भी देना पड़ रहा है, बट कांट हेल्प इट गाइज. इस बेड के अंदर काफी सारा मेरा खुद का सामान है, घर का सामान है, बेड शीट्स है, बहुत ही रैंडम चीज है. मेरा पूरा इंडियन वेयर इस बेड के नीचे है, तो इस समय जगह नहीं है उन कपड़ों को कहीं रखने की. एंड आई थिंक मुझे कुछ कपड़े देने पड़ेंगे या डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, बिकॉज नहीं चल सकता ऐसा. मैं इसको अब टाई कर रही हूँ, मैं अभी से थक चुकी हूँ. ओके गाइस, सो अभी मैंने बेडशीट्स वाला एरिया पूरा खाली कर लिया, अपने विंटर वेयर का एरिया पूरा खाली कर लिया. अब जो मेजर ऐसे हेडेक वाला पार्ट है, दैट इज जिस पे मैं बैठी हुई हूँ, इस वाले बॉक्स के अंदर है मेरा सारा इंडियन लहंगे स्टफ एंड आई एम टायर्ड. ये अलग होगा, वो अलग होगा, और ये दोनों अलग अलग जाएंगे नीचे. वाला भैया का बेड हुआ करता था, ये वाला मेरा हुआ करता था, फिर इन दोनों को कंबाइन कर दिया एंड हियर इट इज. आराम से भैया. अरे ओ, ये कबाड़ा कितना नेक्स्ट लेवल कबाड़ा है, पता नहीं मैंने कब खा के ब्रिटानिया के केक्स फेंके हुए हैं. हैंकी है, पता नहीं क्या क्या क्लचर्स वगैरह इसके अंदर से मिल रहे हैं भाई. मैं झाड़ू लगा रही हूँ गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है झाड़ू लगाने में भी. हाय गाइस, सो लास्ट टाइम जब हम मिले थे, कमरा बहुत फैला हुआ था. आई वाज ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि मैं इस रूम को कैसे डेकोरेट करूं, बट आई रियली वांट टू शो यू कि कितनी खिचड़ी मची हुई है इस कमरे में. बट जिन एरियाज पे मैं रिकॉर्ड करी वो कितना एस्थेटिक लग रहा है, मतलब मैं सच बता रही हूँ, सोशल मीडिया एक धोखा है और कुछ नहीं. मेरे घर वालों ने यहाँ पे कपड़े सुखाना भी शुरू कर दिया है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फैलाना शुरू कर दिया है, बिकॉज एज यू कैन सी मैं सिल्वर ज्वेलरी ढूंढ रही थी. अपनी आर्ट का सामान अभी भी बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ है. यहाँ पे मेरे कपड़े टंगे हुए हैं जो कि बहुत ही घटिया तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज किए हुए हैं. सो दिस इज़ व्हाट यू कैन सी, एंड ये वाला एरिया तो मतलब मत ही देखो यार. हे गाइस, सो आई जस्ट गॉट डन विद माय शूट एंड मैं अपने कमरे को इस हालत में नहीं देख पा रही हूँ. एंड आई ओनली हैव टू टेक दिस इनिशिएटिव ऑफ क्लीनिंग दिस रूम. इतनी घटिया हालत हो रखी है इस कमरे की कि किसी का पैर रखने का मन ना करे, बट जल्दी से करते हैं एंड आई विल सी यू गाइस सून. Thank you.
गाइज वेलकम बैक. सो इट्स बीन वीक्स, मैंने आपको बहुत टाइम से कोई अपडेट्स नहीं दी है कि फाइनली इस कमरे में क्या चल रहा है. जल्दी से मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या चल रहा है. ऐसा कुछ बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं हो रखा है इस कमरे में. अभी भी ये बहुत बेसिक कमरा है, काम चलाओ कमरा है, बट आई रियली वांटेड टू शो यू कि मैं कैसे जुगाड़ करती हूँ. सो आ जाओ, दिखा दूंगा. कुछ इस तरीके का आपको नजारा दिखेगा. यहाँ पे मेरा है फुल लेंथ मिरर, सामने जाके है ये लैम्प जो कि बहुत ही पुराना जमाने का, बाबा आदम के जमाने के एस्थेटिक्स रखता है. एंड यहाँ पे मेरा कबर्ड है जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है. एंड यहाँ पे है मेरी पेंटिंग जिसको मैं लिटरल सेंस में पिछले 3-4 साल से कम्प्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ, बट ये कम्प्लीट ही नहीं हो पा रही है, पता नहीं क्यों. देन आई हैव दिस ब्यूटिफुल साइड टेबल, इसमें गोल्डन एंड मार्बल का जो डिटेल्स है वो बहुत ही ज्यादा प्रिटी है. तो देखो, ये था आइकिया का प्लांटर एंड ये है मेरा सिरेमिक पॉट जिसके अंदर मैंने घुसा दिया. एंड देन मुझे आईप्लेक्स वालों ने ये गिफ्ट दिया था फॉर माय बर्थडे. एंड देन YouTube Shorts का गिफ्ट. एंड ये मिरर भी मैंने बंजारा से लिया था, ये भी मैंने बंजारा से लिया था. तो इन शॉर्ट मेरे घर में काफी चीजें हैं जो मैंने बंजारा से ली थी. मैं कल वापस गुड़गांव जा रही थी, मैं कुछ वापस बंजारा से लेकर आऊंगी. बड़ा सस्ता एस्थेटिक और प्यारा सामान मिलता है वहां पे. देन जो ये आपको दिख रहा है जिसमें मेरे कुछ कुछ कपड़े मैंने लटकाए हुए हैं, ये मैं लेकर आई थी फ्रॉम Amazon, मतलब मैंने मंगवाया था. इस पार्ट को ना थोड़ा इग्नोर करो प्लीज 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 प्लीज, ठीक है. तो ये वाली जगह थी जिसको मैं बोली थी प्लीज इधर मत देखना, प्लीज इधर मत देखना. उसी के जिस साइड में है मेरा बहुत ही शानदार टेबल. इस टेबल की भी मैं आपको सच्चाई बता देती हूँ. तो जब मैं ये टेबल खरीद रही थी, ये टेबल मुझे बहुत एक्सपेंसिव पड़ा था, मतलब मेरे लिए एक्सपेंसिव था. 35-40,000 का है ये टेबल. मतलब मुझे ऐसा लगा व्हाट द हेल, मैं टेबल पे 35-40,000 क्यों स्पेंड करूं. इसकी हाइट एडजस्ट हो जाती है. एंड दिस इज द बेस्ट डिसीजन आई हैव एवर टेकन. बट एक चीज गलती हो गई, काश मैं मैनुअल ले लेती, बट ठीक है कोई नहीं. आई रियली लव दिस. मैं अपनी सारे 8 पीसेस इसी टेबल पे शूट करती हूँ गाइस. ये है हमारा टेबल, साइड में है पुरानी चेयर एंड देन मेरे ढेर सारे 8 पीसेस. अगर आपको इसे अच्छे से देखना है प्लीज मेरे चैनल पे जाके देखो, क्योंकि मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है सिर्फ इसी सेटअप को लेके. एंड ये मेरी फ्रेंड ने बनाया था, साई ने, मेरे लिए, विच इज सो प्रिटी गाइस. उसने अपने हाथों से बनाया है, बहुत ही सुंदर है ये. उसका इंस्टाग्राम पेज है डोरा डोरी आर्ट, यू कैन चेक इट आउट. देखो जो ये सोफा है, ये है मेरे पेरेंट्स की शादी वाला सोफा एंड वापस से इनका फैशन इन हो चुका है. बट इसमें जो गदियां लगी हुई है ये सब है, ये थोड़ा नॉन एस्थेटिक है, जिसको मैंने सोचा है कि मैं अपने आर्ट चैनल पे पेंट करूंगी एकदम स्क्रैच से. एंड इसको बहुत ज्यादा मॉडर्न है, वो चुंबक वाले नहीं आते, इस तरीके का टचअप दूंगी. एंड आई थिंक इट्स गोना लुक सुपर 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 प्रिटी. आज कल की एस्थेटिक्स वाला सोफा मैं इसे पेंट करने वाली हूँ, एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर दैट. मेरा व्यू अभी बात करते टाइम ये है. सो दिस इज ऑल इट इज. मुझे कोई भी अनकट की वीडियोस शूट करनी होती है, मैं यहाँ से सारा सामान निकाल के कहीं और रख देती हूँ, साइड में इधर उधर कर देती हूँ. एंड फिर मुझे प्लेन वाइट वॉल मिल जाती है. मैं अपनी रील्स एंड मेकअप को यहाँ पे शूट करती हूँ एंड मेरी आर्ट वीडियोज होती हैं यहाँ पे शूट. ओके गाइज, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही था. एंड प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताना आपको मेरा ये मेकओवर कैसा लगा फ्रॉम माई रूम टू अ स्टूडियो. प्लस आई थिंक मैं ये बोलना चाहूंगी इस वीडियो के थ्रू कि जरूरी नहीं है कि आपके पास प्रॉपर सेटअप हो, प्रॉपर स्टूडियो हो या प्रॉपर इक्विपमेंट्स हो, तभी आप एक यूट्यूबर बन सकते हो. देख सकते हो मैंने कितना जुगाड़ किया है पूरे अपने रूम में. सो यस, थैंक यू सो मच. इफ यू लाइक इट प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आई लव यू गाइज.